हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज से हम माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं। मतलब हमने पहले भी माइनक्राफ्ट खेला है, बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हैं उसके ऊपर, लेकिन हम सर्वाइवल मोड पर खेलने वाले हैं। गाइस यार, मैं ना एक जंगल के बीच में स्पॉन हुआ था, उसके बाद मैंने ट्री काटा, प्लैंक बनाए, छोटा सा घर बना लिया कि कुछ टाइम के लिए हम इस पर रह सकें, और फिर धीरे धीरे हम इसे आगे बढ़ाएंगे। ये पॉकेट एडिशन है क्योंकि मैं मोबाइल पर खेलता हूँ, आप सबको पता चल ही गया होगा। सो गाइस, अभी तो अंधेरा है और सुबह होने वाली है, तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं और सुबह करते हैं फटाफट, क्योंकि हमने अभी तक इसमें बेड भी नहीं बनाया है सोने के लिए। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड अब चलते हैं हम पेड़ काटने। तो सबसे पहले इस ट्री को काटते हैं, इसकी वुड इकट्ठा करते हैं, फिर इसे प्लैंक व्लैंक बनाएंगे और अपने कुछ हथियार बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव भी तो करना है। सो गाइस, चलते हैं घर के अंदर और बनाते हैं स्टिक्स और कुछ हथियार बनाने हैं हमें, तो वही बनाते हैं। फटाफट क्राफ्टिंग टेबल खोल लो और फटाफट देखते हैं क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो हम पहले इसके प्लैंक बना लेते हैं, वुड प्लैंक्स, और उसके बाद हमें कुछ स्टिक्स बनानी है, तो वो भी बना लिए हमने। तो यार चलो, अब हम चलते हैं स्टोन इकट्ठा करने, और स्टोन से भी हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी है। जितने भी हमारी वुड की चीज़ें हैं उसे कन्वर्ट कर लेंगे स्टोन के, इसमें पिकैक्स एक्स और वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। तो उससे पहले हम एक रास्ता बना लेते हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ, और मिलता हूँ मैं आपसे स्टोन इकट्ठा करने के बाद। सो गाइस, जितना स्टोन चाहिए था हमने उतना ले लिया है, शायद इतना इनफ है। सबसे पहले हम इसे इस ब्लॉक से कवर कर देते हैं इस प्लेस को, क्योंकि यार निकलना हमको ही है और हम ही गिर जाएंगे बार बार यहाँ पे से, इसलिए हम इस तरफ भी इसको कर देते हैं ब्लॉक पूरे तरीके से अच्छे से, और फिर चलते हैं घर के अंदर। तो यार अब हम घर के अंदर आ चुके हैं, और सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल खोलते हैं और हमारी चीज़ें बना लेते हैं जो ज़रूरत की हैं। सबसे पहले हम एक फर्नेस बनाएंगे, तो स्टोन रखा और ये बन चुका है अपने आप ही। हम फर्नेस रखते हैं और हमें कुछ वुड प्लैंक्स डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमें चारकोल बनाना पड़ेगा टॉर्च के लिए। सो गाइस यार, अब मैं आपसे सीधे मिलता हूँ टॉर्च बनाने के बाद। सो गाइस, चलते थोड़ा नीचे और देखते हैं कि हमारे आगे पीछे और क्या क्या चीज़ें हैं। सो चले चलते थोड़ा सा नीचे और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। सो गाइस यार, हमें सबसे पहले पम्पकिन दिख गए, तो पम्पकिन हम सारे इकट्ठा कर लेते हैं, जितने भी यहाँ पर हैं सभी को तोड़ लेते हैं, काट के सब इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद चलेंगे थोड़ा और आगे, देखते हैं वहाँ पे एक शी सरी का दिख रहा है शायद हमें, तो आगे भी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। सो गाइस, यहाँ पर एक तालाब ही बना हुआ है जैसा मुझे दूर से देख के लगा था, और यहाँ पे कौन सा जानवर भी बैठा है, पता नहीं कौन सा बैठा है, पेड़ के नीचे सो रहा है। खैर हम आ चुके तो ये भाग जाएगा, अब चल निकल, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ से ख़तरनाक तरीके से मॉब्स की आवाज़ आ रही है, स्केलेटन की आवाज़ आ रही है चलने की, शायद आपको सुनाई ना पड़े। थोड़ा और आगे पीछे चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, और अब रात भी होने वाली है तो हमें घर की तरफ निकलना चाहिए। सो गाइस, अंधेरा हो चुका है लगभग, और मॉब्स भी आने वाले होंगे, स्पॉन हो जाएंगे बहुत सारे। चलते हैं फटाफट घर की तरफ अपने, और फिर बचते हैं इन सभी से, मिलते हैं अगली सुबह को। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।